बीजीय व्यंजकों में चर राशि रखकर मान ज्ञात करना। यदि x बराबर 2 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। x माइनस 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पर x आया है x की जगह कॉलम बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक में x का जो मान है 2 वह रखेंगे। अब 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है और बाद का अंक माइनस का 3 है, तो माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1। दूसरा है 10 माइनस 7 एक्स में x बराबर 2 रखने पर, इसमें भी x बराबर 2 रखेंगे तो 7 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू मानेंगे। तो 10 माइनस 7 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इंटू, और x की जगह ब्लॉक में 2 रखेंगे तो माइनस 7 और ये प्लस का 2, माइनस और प्लस, माइनस 7 दुनी 14, 14 में से 10 गए तो माइनस के 4। दूसरा क्वेश्चन, यदि पी बराबर माइनस 1 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। माइनस 3 पी स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 10 में पी बराबर माइनस 1 रखने पर, तो जहाँ पर पी आया है वहाँ माइनस 1 रखेंगे पी के ब्लॉक में, तो माइनस 3 दोनों के बीच में इंटू और पी का ब्लॉक में माइनस 1 रखेंगे, स्क्वायर जैसा का जैसा, प्लस 4 इंटू इन दोनों के बीच में इंटू फिर माइनस 1 प्लस 10, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 1 को माइनस 1 को दो बार इंटू लिखेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 4, ये प्लस का 4 माइनस का 1, ये 10 प्लस के 10 जैसे भी। अब इनको माइनस और माइनस, तीन बार माइनस आया तो माइनस का 3 एकम 3 एकम 3, तो माइनस के 3, यहाँ प्लस और माइनस को इंटू किया तो माइनस का 4 10, माइनस 3 और माइनस 4 दोनों एक चिन्ह के हैं, माइनस के 7 हो गए, माइनस 7 10 में से गए तो प्लस के 3 बचे। दूसरा क्वेश्चन, 3 कोष्टक पी माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6 में पी का पी बराबर माइनस 1 रखने पर, तो थ्री कोष्टक पी की जगह ब्लॉक में माइनस 1 रखेंगे, फिर माइनस 2 कोष्टक बंद प्लस 6। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3 हो गए। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू मानेंगे, माइनस 3 और प्लस का 3, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो प्लस और माइनस को इंटू किया तो माइनस 3, 3 को 3 से इंटू किया 9, प्लस 6, माइनस 9 में से प्लस 6 गए तो माइनस के 3 इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 और b बराबर माइनस 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। जहाँ पर ये आया a की जगह प्लस 3 रखना है और स्क्वायर का जैसा कर, माइनस बी की जगह बी का मान रखेंगे माइनस तीन। इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए इस संख्या को, ब्लॉक की संख्या को दो बार इंटू लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसको भी दो बार इंटू करके लिखेंगे, तो 3 × 3 बराबर 9 और 3 × 3 माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, 3 × 3 प्लस के 9। अब प्लस और माइनस को इंटू किया तो ये क्या बन गया, माइनस का और 9, ये तो 9 प्लस और माइनस 9 में से इनको घटाया तो 0 बन गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में मान रखने पर, तो ए की जगह ए का मान रखा माइनस ए का, ए की जगह प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू नहीं ब्लॉक में 3 और इधर दूसरे ब्लॉक में माइनस 3, इधर बी स्क्वायर की जगह माइनस 3 का स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 3 को दो बार लिख दिया, माइनस 3 और माइनस 3 को इंटू किया प्लस 9 हो गए, माइनस 3 को इंटू किया दो बार माइनस 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस और माइनस प्लस 9, इधर प्लस 9 और 3 को इंटू किया तो 9, तीनों प्लस के हो गए तो 27। इसके बाद ये ग्रह कार्य, आज का ग्रह कार्य।